सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्रिज को किया है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। सो ये पूरी वीडियो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा में मैं ऐड करूँगी 1 फुल लेमन, और इस लेमन और इसके मिक्सचर को, बेकिंग सोडा के मिक्सचर से ही मैं अपने फ्रिज को क्लीन करूँगी। और फ्रिज को क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका है गाइस, इससे जो भी बदबू होती है फ्रिज के अंदर की और स्टेन होते हैं वो सब निकल जाती है। ये 3 डोर की मेरी फ्रिज है और मैं सबसे पहले आपको लाइट ऑफ करना है। इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे और हर एक सामान को पहले हम बाहर निकालेंगे। जैसे कि मैंने अपने फ्रिज के अंदर ये जो मैट आती है, तो मैं ये वाली मैट को इस अपने फ्रिज में लिंक लगा देती हूँ ताकि ज्यादा गंदी ना हो। बट मैंने काफी दिनों से, जब से फ्रिज आई, मैंने इसकी साफ सफाई नहीं की है, तो ये मैट से तो ज्यादा गंदा नहीं होता है। बट ऑब्वियसली हमें फ्रिज का क्लीनिंग हमेशा एक बार करना ही चाहिए। तो मैंने वैसे भी थोड़े से सामान लाए, तो ऑब्वियसली मैं अपने फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक माइक्रोफाइबर क्लोथ चाहिए। ये इजिली मिल जाती है 20 रुपीज की, और जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये मिक्सचर बनाया है, और इस मिक्सचर को मैं अपने फ्रिज को सबसे पहले अंदर का जो है एरिया उसे क्लीन करूंगी। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, काफी ज्यादा यहाँ पे गंदी हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना कुछ किए फिर भी यहाँ पे डस्टिंग जो भी मतलब है, कचरा वगैरह थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। गाइज, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इस फ्रिज को क्लीन करने का। आप भी इसे ज़रूर यूज़ करना, बेकिंग सोडा और लेमन से। बहुत सारी जो फ्रिज के अंदर जो बदबू होती है, जैसे हम खाना रख देते हैं, रात का बचा खाना, मॉर्निंग का बचा खाना, सो अगर कभी आपने फ़िश वगैरह या फिर चिकन वगैरह रख दी, तो ऑब्वियसली स्मेल तो फैलना ही है फ्रिज के अंदर। तो ये सारी जो स्मेल होती है वो सबसे बहुत ही अच्छा जो है वो स्मेल निकाल देता है फ्रिज में से। सो ये वाली जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो ज़रूर आप यूज़ करना इस फ्रिज को क्लीन करने के लिए। आप ये वाली टिप्स ना आप अपने किचन को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे किचन के भी जो बदबू वगैरह होते हैं वो सब निकल जाती है। सो ये मुझे पर्सनली जो एग्जीक्यूटिव आए थे फ्रिज का डेमो देने, उन्होंने मुझे पर्सनली ये चीज़ें बताई थी गाइस।
मार्केट में आप लोगों को इस तरह की मैट मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो अमेज़ॉन के लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकती हैं। और इसे हम अगर लगाते हैं अपने मैट को, इस पर यू नो बिछाते, तो बहुत कम चांसेस होते हैं गंदगी होने की। जैसे आपने देखा होगा मेरा फ्रिज काफ़ी क्लीन था, इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं था। मैं ज़्यादा करके अपने फ्रिज में मसालों के तो आप मुझे भंडार देखेंगे, अलग अलग टाइप के मैं मसाले लेकर आती हूँ। मिल्क वगैरह जो है मैं ऊपर के कंपार्टमेंट में रख देती हूँ, और मसालों का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एक्चुअली गाइस। तो मैं अलग अलग टाइप के मसाले एंड ऑल लेकर आती हूँ, ट्राई करती हूँ, और उससे बहुत अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी खाना बनते हैं। तो फ्रिज में ही इसे स्टोर करेगी ताकि वो ख़राब भी नहीं होते मसाले। तो मसाले के लिए मैंने जो बॉटल रैक है वहाँ से उसे हटा के मैंने मसाले अपने वहाँ पे रखा है, जहाँ पे मैं बॉटल रखती हूँ। बट हमारे घर में ज़्यादा इतना कोई ठंडा पानी पीता नहीं है, सिर्फ गेस्ट वगैरह आते हैं तो ही हम ठंडा पानी रखते हैं अपने फ्रिज में। और बहुत जल्दी ही यहाँ पे पानी यू नो ठंडी हो जाती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन नहीं है। इस फ्रिज को लेने का यही मेरा मकसद था कि मैं जब भी पानी वगैरह मुझे ठंडा करना है तो मैं ऑब्वियसली फट से मेरा हो जाए, क्विक हो जाए, और यहाँ पे क्विक आइसक्रीम बन जाती है, क्विक चिल्ड हो जाता है, आइस एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छी तरह जम जाता है। सो ये बहुत बेस्ट लगी थी मुझे ये वाली फ्रिज। और ये है फ्रिज 330 लीटर की है, सो बेस्ट है एक्चुअली गाइज। और ये सारे जो भी मसाले एंड ऑल जो भी वेजिटेबल्स है बहुत ही अच्छा यू नो बहुत टाइम तक इसे फ्रेश रखता है। सो बहुत ही अच्छा रिव्यू है इसका। और ऑब्वियसली चलिए मेरा ये सारा काम हो चुका है, मैं इसे ऑर्गेनाइज़ भी कर लेती हूँ, अपने फ्रिज को अच्छी तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर लेती हूँ। और मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कुछ इस तरह से, मैंने बास्केट ली थी डीमार्ट से, तो इन बास्केट्स में ही मैं अच्छी तरह से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। जो भी यू नो कांच की बॉटल होती है जो मैं बड़े वाले रैक में रखती हूँ, छोटे छोटे ये जहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी के यू नो ग्रीन चिली एंड ऑल वेजिटेबल्स, हर एक चीज़ को मैं ये बास्केट में स्टोर करके रखती हूँ। बहुत अच्छा कंपार्टमेंट दिया हुआ है इस फ्रिज का, काफ़ी बड़ी है और डेप्थ इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए गाइज मुझे ये सबसे बेस्ट लगी थी। और क्लीन करना हमारे फ्रिज को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेली लाइफ में। अब हफ्ते में या फिर महीने में 4 बार तो इसे क्लीन करना ही करना है। सो गाइज देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट है, मैंने यहाँ पे मिल्क स्टोर करके रखा हुआ, ये मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए है। यहाँ पे मैंने मिर्ची ली एंड ऑल, ये देख सकते हैं आप, जैसे दूध का फटा हुआ, स्प्राउट हो गए, एंड ये हो गया अदरक, ये हो गया टमाटर एंड ऑल, बाकी की चीज़ें यहाँ पे थोड़ी मैंने स्टोर करके, ये फ्रूट का सेक्शन है बट यहाँ पे भी अच्छी कूलिंग मिल जाती है, तो मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड ऑल रखे, फ्रूट्स भी रखे यहाँ पे मैंने बास्केट में। इस तरह से मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये देखिए ये मैट की वजह से ख़राब भी नहीं होता, मेरे पास अभी 2 मैट कम है, मैं नेक्स्ट टाइम में इसे ज़रूर परचेज़ करूँगी अमेज़ॉन से। एंड ये बाकी की चीज़ें जो भी है यहाँ पे मैंने स्टोर करके रख दी है बॉक्स में। नीचे का जो हिस्सा होता है मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड ऑल इस चीज़ को यू नो रखूँगी, तो अभी मैं वेजिटेबल्स जाऊँगी मार्केट से लेकर आऊँगी और सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे स्टोर करूँगी। ऊपर का कंपार्टमेंट में ये बहुत ही अच्छी कूलिंग देता है, क्विक फ्रिज है एक्चुअली, तो सबसे बेस्ट है ये। और ये फ्रोज़न आइटम्स के लिए सबसे ऊपर का प्लेस जो है वो सबसे अच्छा है। सो मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है फ्रिज की गाइस, तो देखिए मैंने यहाँ पे मसाले वगैरह रखे हुए जिस तरह से यू नो अलग अलग टाइप्स के मैं मसाले लेकर आती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एंड अपनी जो फेस मास्क वगैरह है वो सब भी मैं रखती हूँ यहाँ पे। बटर रखे मैंने यहाँ पे, कुछ मैंने रखे हुए हैं कलर, फूड कलर है, और बाकी का ये जो बॉटल रैक है जो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत पानी स्टोर करके रखती हूँ। आपको आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ इसे लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस।